जय हिंद। देखिए, हम लोग समझते हैं कि कोरोना की जांच के लिए क्या है आरटीपीसीआर। देखिए, डीएनए से आरएनए बनाना हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से वापस डीएनए बनाने की यह क्रिया ठीक उल्टा हो जाती है, इसलिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। किसी भी चीज़ की एकदम सटीक पहचान उसके डीएनए से होती है। डीएनए से जो पहचान की जाती है उसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, एकदम सटीक होती है, इसमें कोई दो राय नहीं होता है। अब जो COVID-19 यानी कोरोना का जो वायरस है, इस ससुरा कोरोना वायरस में डीएनए होता ही नहीं है। अब बताइए, एक तो ये घातक बीमारी, दूसरा इसकी पहचान करने के लिए जो मेन सोर्स था डीएनए, वो इसमें होता ही नहीं है। इसमें तो आरएनए होता है, कोरोना वायरस में आरएनए होता है। कोरोना वायरस का आप शक्ल देखिएगा तो कोरोना वायरस के बाहर लगे होते हैं स्पाइक प्रोटीन, ये बाहर इसको स्पाइक प्रोटीन जो होते हैं ये इसको पकड़ने में मदद करते हैं, और इसके अंदर जो होता है इसका जेनेटिक मटेरियल यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ले जाने वाला आरएनए होता है। अब आप बताइए, आरएनए से तो करेक्ट जाँच होती नहीं, डीएनए से जाँच होती है, तो क्या करना चाहिए? इसी आरएनए को वापस बदल लेना चाहिए। किसमें? डीएनए में। तो आरएनए को वापस डीएनए बदलना क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसीलिए कोरोना यानी COVID-19 की जो जांच होती है वो आरएनए वायरस होने के कारण आरटी यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कोरोना वायरस के आरएनए को डीएनए में बदला जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर, पॉलीमराज चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी आरटीपीसीआर जांच की जाती है। अब आप कहिएगा कि सर, इस जांच में होता क्या है? तो देखिए, जो भी वायरस मिलते हैं या कोई बीमारी मिलती है तो तुरंत पहले उसके डीएनए का एक सैंपल ले लिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये सैंपल जो है, ये फिगर आप मान के चलिए कि ये फिगर कोरोना वायरस का के डीएनए का फिगर है, तो हर लेबोरेटरी, हर हॉस्पिटल, हर जांच सेंटर को ये फोटो भेज दिया जाएगा कि भैया ऐसा फोटो जहां देखना समझ जाना वो क्या है, कोरोना वायरस है। अब क्या किया जाता है इस आरटीपीसीआर में कि किसी भी मरीज का बलगम निकाला जाता है, उसमें कोरोना वायरस होता है, उसमें आरएनए होता है, आरएनए से उसको डीएनए में बदला जाता है। अब उसके डीएनए के फोटो को इस फोटो से मैच कराया जाता है। मैच कर दिया गया तो कहता है बाबू हो गई लो कोरोना, हो गई लो मैंने पॉजिटिव, ना हो लो निगेटिव। समझ में गया? तो मैच कर गया तो पॉजिटिव, नहीं मैच किया तो निगेटिव। इस ससुरा में बहुत टाइम लगता है डीएनए आरएनए मैच कराने में, इसलिए आरटीपीसीआर से जांच करने में काफ़ी दिन लग जाते हैं। इसलिए अब एक नई जांच विधि आ गई है, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। अब ये क्या है समझते हैं। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कुछ ही घंटों में बता देती है कि आपको कोरोना है या नहीं है। होता क्या है, जैसे हमारे शरीर में कोरोना वायरस इंटर करता है तो इंटर करने के 2 से 3 दिन के बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडी बहुत तेज़ी से बनने लगते हैं, और यह एंटीबॉडी उस कोरोना से लड़ने लगते हैं। तो डॉक्टर आपके ब्लड की जांच लेता है। देखिए, आरटीपीसीआर में एक बलगम की जांच ली जाती थी, इसे मुंह खुलवा के अंदर से थूक निकाला जाता था, जबकि इसमें ब्लड की जांच होती है, और उस ब्लड को आप देखे होंगे एक इस तरह के वाइट कलर का किट होता है, इसमें हल्का गड्ढा होता है, इसी में डाल दीजिए। अब उसमें एक केमिकल होता है, वो यह पहचान करता है कि आपके ब्लड में एंटीबॉडी बहुत तेज़ी से तो नहीं बन रहे हैं। अगर तेज़ी से बन रहे हैं, इसका मतलब आपका शरीर उस कोरोना वायरस से लड़ने की कोशिश कर रहा है, यानी आप कोरोना पीड़ित हैं। अब इस फायदा तो है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से, लेकिन इस रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से घाटा क्या है? देखिए, अगर मान के चलिए कि कोई मरीज आज ही इन्फेक्टेड हुआ है कोरोना से, तो उसके में एंटीबॉडी बनेगी 3 से 4 दिन बाद, अर्थात इन्फेक्टेड डेट से 4 दिन तक आप इस रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से जांच नहीं कर सकते हैं। पहला डीमेरिट। दूसरा डीमेरिट क्या है कि जब कोई मरीज कोरोना था और वह ठीक हो गया, तो ठीक होने के भी 3-4 दिन बाद तक उसमें एंटीबॉडी बनते रहते हैं। यानी अगर वो ठीक भी हो गया है और ठीक होने के 2-3 दिन बाद भी अगर आप चेक करते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि भैया वो दिखा देगा कि इसको कोरोना है, इसमें एक स्पॉट बन जाती है, एक लाइनिंग बन जाती है। तो इसके यही 2 लॉस हैं। हाँ, लेकिन इसमें प्रॉफिट ज्यादा है कि जैसे मान लीजिए किसी में सिम्टोमेटिक लक्षण दिख रहे हैं, उसे खांसी हो रही है, सूखी खांसी है, बुखार है, ये है, तो आप आरटीपीसीआर से करेंगे तो टाइम लगेगा 2 दिन। जब आपको उसमें सिम्टम्स दिख रहे हैं तब तुरंत उसका ब्लड निकालिए, एक बूंद इसमें डालिए, तुरंत 1 घंटे में आपको रिजल्ट दे देगा रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के हिसाब से। समझ में आ गया? ये टेस्टिंग बहुत जरूरी है।
इंडिया में टेस्टिंग काफ़ी कम हो रही थी, लेकिन अभी इंडिया में टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लगभग 1 लाख हो रही है। हालांकि ये नंबर बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन हाँ, कोरोना से बच के रहिए। जो भी कही जा रही है कि वैक्सीन तो एकदम ध्यान रखिए, 2019 में तो आने वाला नहीं है वैक्सीन, जो है वो एक लंबी प्रक्रिया। हाँ, ये कहिए कि इसराइल की कंपनी ने जो दवा बनाने की बात कही है, वो दवा भले हो सकता है, तो उसमें भी आप याद रखिएगा सितंबर से पहले ऐसा कोई दवा आने वाला नहीं है। और एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना अभी अपना विकराल रूप नहीं लिया है, कोरोना अपना विकराल रूप हिंदुस्तान में लेगा, ये जून के फर्स्ट सप्ताह से एकदम खतरनाक रूप लेगा और इसे 2 लाख के पार लेके चला जाएगा। ये एम्स के डॉक्टरों की राय है, मेरी अपनी राय नहीं है, हम कोई डॉक्टर नहीं है। आप समझ गए होंगे ये दोनों प्रकार के टेस्ट के बारे में। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले चैप्टर में हम लोग आगे समझते हैं।